ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए जोधा बेगम, नावरुकुमाजी। क्या बात है शहंशाह, आपने नाव क्यों रुकवा दी? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस एक बात याद आ गई। अब जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बताते थे। उस दिन हम पर उस तरफ से तीर चल रहे थे और कमाल की बात है, एक नहीं कई सारे तीर एक साथ चल रहे थे। तीर इस तरह चलाए जा रहे थे जैसे मानो हम पर वार हुआ हो और हर तीर हमारे पास से गुजरा था। जोधा बेगम, हमारा मानना है कि अगर दुश्मन वार करता है तो आपकी जान लेने के लिए, लेकिन उस दिन हम पर वार किए गए हमारी जान बचाने के लिए। मगर अफसोस इस बात का है कि हम तीर चलाने वाले को शुक्रिया नहीं कह पाए, वरना क्या पता शायद बेनजीर हमारी जान ले चुकी होती। वैसे जोधा बेगम, उस दिन आपके तीरों ने बेनजीर को छुआ क्यों नहीं? जैसा कि हम जानते हैं आप तीर चलाने में बहुत माहिर हैं, एक साथ कई सारे तीर निशाने पर लगा देती हैं, तो उस दिन आप चूक कैसे गईं? वैसे कमाल की बात है ना जोधा बेगम, कि आपका निशाना लगा भी नहीं और आपने अपना काम भी साथ लिया। बहुत कमाल का हुनर है ये, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि उस दिन आपको बेनजीर को अपना निशाना बना लेना चाहिए था, वरना आज आप पर जहर पीने की नौबत नहीं आती। तो बताइए, आपने अपने बेनजीर को अपना निशाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उस दिन हमारा लक्ष्य बेनजीर को मारना नहीं था, आपकी जान बचानी थी। और फिर हम ये कैसे साबित करते कि वो एक विष कन्या है? क्योंकि आपकी भी तो एक बहुत गलत आदत है, आपको जब तक पूरे साक्ष्य नहीं मिल जाते आप किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करते, और खास तौर पर तो हमारी बात पर। हमने एक बार आपकी बात पर विश्वास किया था, आपके पास आए थे और आपने हमें धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया था। हम सच कहें, हमें आप औरतों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। अब खुद ही देखिए, जैसा आपने कहा कि अपनी बात साबित करने के लिए आपने जहर पी लिया, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी आप। अब जब आप ऐसी हरकतें करेंगी तो हिंदुस्तान के बादशाह को क्या, दो जहां के बादशाह को भी आप औरतों को समझने में बहुत दिक्कत आती होगी। नाव चलाओ माझी।
हम चाहते हैं कि आप सब हमारी एक बात बहुत गौर से सुने और से अपने जहन में बिठा लें। अब से हम आपके शहंशाह नहीं है और ना ही आप हमारे सिपाही हैं, हम बस एक आम आदमी हैं और आप सब हमारे आम सेवक। इसलिए भूल कर भी कोई हमें शहंशाह नहीं कहेगा और ना ही इन्हें बेगम साहिबा। चाहे तो आप हमें सेठ या सेठानी कह सकते हैं, समझे? जी शहंशाह। कहाँ है शहंशाह? हमें तो यहाँ कोई शहंशाह नहीं दिखाई दे रहे। क्या आपको यहाँ कोई शहंशाह दिखाई दे रहे हैं? नहीं सेठ जी। बहुत खूब, आप सब लोग आराम फरमाइए, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। सेवक तो थाने सेठ जी बोलेंगे, मैं थाने काई बोलूं? जो तुम्हारी घरवाड़ी, मैं थारा घरवाड़ा। क्यों हो जोधा बेगम, स्त्रियां चौक क्यों गई? की समझी कि मैं थारी बोली ना बोल सकूं? हाँ हाँ ठीक ठाक बोल लेते हैं। रख क्यों झूठ बोल रही है जोधा बेगम, अच्छी खासी तो बोल लियो। आ सिठानी आ, तने यात्रा कराऊं, आ जा। क्या खबर लाए हो गुलफाम? माशाल्लाह, क्या बात है शरीफुद्दीन साहब, कैद खाने में हुक्म बज रहा है, क्या कैदियों को बाहर की हवा नहीं मिलती, आपको तो बाहर की खबरें मिल रही हैं। यहाँ क्या कर रहे हो आदम? खुद तो फंसोगे, हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ा दोगे, चले जाओ यहाँ से। हम तो तारीफ कर रहे थे, पर लगता है कि जनाब को बुरा लग रहा है। जानकर अच्छा लगा शरीफुद्दीन कि तुम्हें इस कैद खाने में मजा आ रहा है, वरना इतनी लंबी सजा तुम कैसे काटोगे? तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी आदम, क्योंकि हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। उफ, खुदा तुम्हारी इस उम्मीद को बनाए रखे शरीफुद्दीन, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, पर देखो तुम कहाँ हो हम कहाँ हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही सोचते रहोगे और बाहर का काम होते रहेगा? बेशक, क्योंकि हमारी तरकीब में कोई कमी नहीं होती, और जब उन पर अमल होता है तो वो कामयाब होती हैं। हमारी सोच में दम है आदम। वाकई कैद खाने में सड़कर बूढ़े होकर मर जाने का ख्वाब और सोच काफी अच्छी है। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते आदम, हम समझ गए हैं कि तुम में दिमाग ही नहीं है। ये भी समझ लो शरीफुद्दीन कि इस पूरी मुगल सल्तनत में सिर्फ एक आदम खान है जो तुम्हें याद करता है, बाकी के लोग तो तुम्हें बीते हुए कल की तरह भूल चुके हैं। हाँ, एक और इंसान है जो तुम्हें याद करता है, रोते रोते बुरा हाल हो चुका है उसका, जानते हो कौन? बख्शी बानो, तुम्हारी बेगम। दिल तो करता है कि उन्हें दिलासा दो, उनकी तरफ हाथ बढ़ा। हाथ मेरा आदम, वल्लाह कैद खाने की चार दीवारियों ने तुम्हारा जोश अब तक खत्म नहीं किया शरीफुद्दीन। हम तो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, जहां से बाहर निकलना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम हमारी बातें मानो, हमारा कहना मानो, वरना वरना क्या? हम जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। जिंदगी भर अपनी अम्मी जान की गुलामी करना तुम्हारी तकदीर है आदम। एक बेदिमाग का साथ देने से बेहतर है कि हम यहाँ कैद खाने में सड़ते रहे। शरीफुद्दीन, अब हम क्या कहें? अब तुमने इस कैद खाने में खुदकुशी करने का मन बना लिया है, ठीक, हम तो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। पर खैर, सड़ते रहो शरीफुद्दीन, सोचते रहो शरीफुद्दीन, अलविदा। हमें यहाँ से बाहर निकालने की मेहनत मत करो, क्योंकि हमें यहाँ से बाहर कोई और निकालेगा।
ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा आदम। हम यहाँ कैद खाने में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, ये तुम महल में वहां बैठे बैठे देखो। सोचते रहो शरीफुद्दीन, सोचते रहो। बस हमें इंतजार है चौधा बेगम का, हमें यहां से बाहर निकालने का। बाहर आने के बाद हम तुम्हें देख लेंगे आदम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अम्मी जान, आदाब। आदाब जाविदा, क्या हुआ? इन्हें यहां क्यों खड़ा रखा? इन्होंने कोई गुनाह किया है? नहीं। तक लिया, क्या हुआ जाविदा? बताते हैं, आप सुन के ना आपको हमारी अकल पे खूब फक्र होगा, लेकिन पहले ना आपको इससे एक घूंट पीना होगा। लीजिए, पीजिए जरा। पानी है ये? हमें ना ये जांचना था कहीं इस पानी में जहर तो नहीं है। दिमाग खराब हो गया है आपका जाविदा? नहीं अमीर जान, आज तो हमने अपना दिमाग लगाया है। हमने ना सलीके से सारी बांदियों को खड़ा किया, फिर हमने पहली का झूठा दिया दूसरी को, दूसरी वाली का झूठा दिया तीसरी को। ऐसे हमने जांचा सारी बांदियों को, कहीं उनमें से कोई जहरीली दोषी सा तो नहीं है। आखिरी वाली बची थी, उसको आपने जांच लिया। अब हमें यकीन हो गया हमारी सारी बांदियां बिल्कुल ठीक है। ठीक? दिमाग खराब है आपका जावेदा, क्या किया आपने ये? अम्मी जान घबराइए मत, दुनिया का कोई भी जहर ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहमक, आपने बांदियों का झूठा पानी हमें पिला दिया। अब आपकी और आदम साहब की हिफाजत के लिए ये जांचना बहुत जरूरी था। क्या पता शहंशाह की तरह कहीं आदम साहब का भी कोई छुपा दुश्मन हो। हमने ठीक किया ना अमी जान। जाविदा, क्या आज हम आपको एक बात बताए? आदम खान की और हमारी जिंदगी में अगर सबसे बड़ी मुसीबत कोई है तो वो है आप। आपसे हम कैसे बचे इसके लिए दिमाग लड़ाइए। लेकिन अमी जान, अब हमें पीना होगा, हम पी के बताते हैं। हमें भी कुछ नहीं हुआ, मतलब हमारी अम्मी जान भी जहरीली दोषीजा नहीं है। विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। सुनो पालकी रोको। क्या हुआ भगवान, तेरा स्वास्थ्य ठीक तो है ना? हाँ, हम थोड़ा थक गए हैं, तनिक विश्राम कर लेते हैं। अरे सुनो रे तारी सेठानी साहब, आराम करना चाहे कोई चौकी जगह ढूंढ कर रुकने के प्रबंध करो। जी सेठ जी, आगे एक सराय है वहां रुक जाएंगे। चौकी बात हो तो चलो रे। सेठाने सतने जगह ठीक लागे।
परंतु ये सराय शाकाहारी तो है ना, हम तीर्थ पर निकले हैं। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है सेठानी सा, आप निश्चिंत होकर बैठो। अरे सुना आपने, आगरा में कितनो बड़ो कांड हो गयो। अरे कोई विष कन्या आई थी शहंशाह को मारने। अच्छा जी। हाँ, पर अपनी हिंदू रानी जोधाबाई है ना, उन्होंने खुद विष पी लियो पर शहंशाह को बचा लियो। घनी बहादुर लागे है, आखिर है तो हमारे इलाके की। ये चौकी बात कही आपने, ये राजवंशी हो बे बड़े बहादुर हैं। ठीक है, माना जोधा रानी ने बचाया शहंशाह को, पर हमारे शहंशाह का मन भी कितनो बलो है। अरे अपनी रानी को बचाने के लिए धरती आकाश एक कर डाला, जगह जगह माथा टेका, जनता से हाथ जोड़ के विनती की कि जोधा रानी के लिए प्रार्थना करो। तो पति का कर्तव्य हुए है पत्नी की रक्षा करना, पर असल बहादुर तो जोधाबाई निकली। किसी के लिए विष पी जाना कोई छोटी बात ना हुए है। अब थाई बताओ सेठ जी, शहंशाह ने बड़ो काम करे हो या रानी जोधा ने? अरे भाई मारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच हो, और शहंशाह जोधा रानी की जान तभी बचा पाए जब उनकी खुद की जान बची। जब शहंशाह ही ना रहते तो जोधा रानी कहाँ से बचती। तो एक तरह से बड़ा काम तो जोधा रानी ने किया। लाख पते की बात कही सेठ जी ने, सुन लिया? सारी दुनिया जाने है जोधा रानी देवी है देवी। जैसे सावित्री ने बचाया था सत्यवान को, वैसे ही जोधा रानी ने बचाया है शहंशाह को। अरे सठानी सा, ये सत्यवान कौन थे? एलो, इतना भी नहीं पता? सत्यवान सावित्री की कथा तो हर घर में बांची जावे। सेठ जी मन लागे है के रानी जोधा शहंशाह से बहुत प्रेम करे। सेठानी सा, आपने देखा है कभी शहंशाह और जोधा रानी को साथ में? सुना है बड़ी चौकी जोड़ी लगे है दोनों की। अरे सेठानी सा, कहो तो इन्हें बता दूं किस तरह तुमने मने धक्का दिया था। तो हम भी बता दे कि आप हमारे साथ कितने कठोर रहे थे, बिल्कुल अड़ियल। अरे सेठानी सा, ये बगैर अड़ियलों की संतानत होगी ना तो लोग तन्ने उसकी मल्लिका बना देंगे। आज तक तेरी जिद के सामने किसी की चाली है? ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपके पास कुछ बात करने को रहता नहीं है ना तो आप बात को बड़ा बना देते हैं और इसलिए हमें क्रोध आ जाता है बस। अब फिर से झगड़ा शुरू मत करते ना शोधा बेगम, बहुत कुछ कहना सुनना है आपसे। हम नहीं चाहेंगे कि फिर से हमारे बीच कोई खामोशी की दीवार आ जाए। फरिश्ते की तरह सुकून होता है आपके चेहरे पर जोधा बेगम, मगर जागते ही तीखी मिर्ची बन जाती हैं आप। रुको, जा, तुम भी जाओ। सेठ जी, मुगल सिपाही आगे सुरक्षा चौकी है। हुकुम दरगाह साहब। कहाँ जा रहे हो? दरगाह साहब, हम सब लोग तीर्थ के लिए निकले हैं। बेशक जाओ, कितने आदमी हैं? गिनो इन्हें। जी हुजूर। बीस है हुजूर। 200 सिक्के देने होंगे। सिक्के मगर क्यों? लगता है पहली बार मुगल सल्तनत से गुजर रहे हो, इसलिए यहाँ के कायदे और कानून से बेखबर हो। तुम तीरथ करने जा रहे हो, तीरथ कर देना पड़ेगा उसका। मगर दरोगा साहब, तीरथ करना कोई अपराध थोड़ी ना, ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है, हम इसके लिए कोई कर नहीं देंगे, ये नियम अनुचित। ओ तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन सबको और डाल दो कैद खाने में। इन्हें बताना होगा मुगल सल्तनत का हुक्म न मानने वालों की सजा क्या होती है। आपसे एक विनती है दरोगा साहब, आप मने बांधी बना लो लेकिन हमारी घरवाली ने छोड़ दो। ना, मारे भरतार जा रहेंगे, वो भी वही रहूंगी। बहुत मोहब्बत है तुम दोनों में। चंद दिन कैद खाने में रहोगे तो सब भूल जाओगे। इन दोनों मियाँ बीवी को एक कैद खाने में डाल दो और बाकियों को दूसरे में ले जाओ। इन्हें
दो चार दिन कैद खाने में रहेंगे तो मुगल कायदे और कानून की तमीज आ जाएगी। अब यहां पे चाहिए क्या चुराया, कहां डाका डाला या किसी को मार डाला? अरे कान में रुई डाला है क्या? अरे जब पकड़ी गए हो तो काहे साहूकारी झाड़ रहे हो? अरे बता दो भाया। अरे हम तेरी बिरादरी के हैं भाया, हमसे क्या छुपाना? चोरी की है यो बात। अरे हम पहले ही जानते थे कि तुम बिल्कुल हमारे भाई बंधु जैसे हो, है ना? कोई तो लंबा हाथ मारा है। का किया, का चुराया?